फतेहपुर जिले में तैनात क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की बीती शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि प्रयागराज जिले के बादशाही मंडी इलाके के रहने वाले अशोक कुमार जिले के बिंदकी तहसील में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर तैनात थे। अशोक कुमार के पास बिंदकी गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी का अतिरिक्त चार्ज भी था। कस्बे के ललौली रोड पर किराए का कमरा लेकर अशोक कुमार अकेले रहते थे। बीती शाम सरकारी काम निपटाकर जब अपने कमरे में अकेले थे, उसी समय उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले गए तो जरूर, लेकिन वहां पहुंचने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टरों ने भी अशोक कुमार की मौत की पुष्टि कर दी। मिलनसार छवि के अशोक कुमार की मौत की जानकारी मिलने के बाद जिले के प्रशासनिक हलके में शोक की लहर दौड़ गई। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की मौत किन कारणों से हुई, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। क्या मामला है डॉक्टर साहब? उसमें शाम को लगभग 7 बजे के आसपास क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मिस्टर अशोक कुमार की डेड बॉडी को कुछ लोग लेकर आए थे। जब आए थे तो मृत अवस्था में थे। अशोक कुमार क्षेत्रीय विपणन अधिकारी बिंदकी फतेहपुर, जिनकी उम्र लगभग 54 वर्ष, आज अपने कमरे में लगभग 5:30 बजे मृत पाए गए हैं। मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं है। उनके मृत्यु के संबंध में उनके घर इलाहाबाद सूचना भिजवा दी गई है। मृत्यु का सही कारण ज्ञात करने के लिए PM कराया जा रहा है, तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।